तो दोस्तों 8 फरवरी को मतलब कि प्रपोज डे वाले दिन मोटोरोला अपने एक नए स्मार्टफोन का प्रपोजल इंडियन मार्केट में लेके आ रहा है जो कि होने वाला है मोटोरोला E13। तो E13 नाम सुनते ही आप मॉडल का यहाँ पे समझ गए हो कि भाई एक मोटोरोला की बजट एंट्री लेवल सीरीज का स्मार्टफोन यहाँ पर रहने वाला है। तो अभी बात कर लेते हैं इसी मोटोरोला के अपकमिंग बजट स्मार्टफोन के बारे में कि फ्लिपकार्ट के ऊपर इसकी आपको क्या कुछ प्राइसिंग देखने को मिलेगी 8 फरवरी को और क्या कुछ इसके अंदर आपको स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप मोटो E13 का एक बार डिजाइन देख लीजिए। यहाँ पे पूरा का पूरा आपको पॉलीकार्बोनेट का बिल्ड देखने को मिलेगा, लेकिन मोटोरोला के जो डिजाइन है काफी मिनिमलिस्टिक यहाँ पे होते हैं और पर्सनली मुझे यहाँ पे पसंद आते हैं, ये भी कुछ अलग नहीं है, डिजाइन अच्छा है। 3 कलर ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जिस तरीके से अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों डिजाइन से हटके यहाँ पे चलते हैं हम स्मार्टफोन की डिस्प्ले के ऊपर। तो यहाँ पे आपको एक 6.5 इंचीज का HD+ रेजोल्यूशन वाला वाटर ड्रॉप नॉच वाला एक IPS LCD पैनल देखने को मिल जाएगा। अब HD+ है, फुल HD+ होता तो ज्यादा बेटर यहाँ पे होता, लेकिन एक और चीज है कि यहाँ पे आप देखोगे जो बॉटम जो बेजल है जो चिन है वो यहाँ पे आपको ज्यादा बड़ी देखने को मिल रही है। तो मतलब बेजल यहाँ पे आपको थोड़े से एवरेज साइज के बड़े ही यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि इस प्राइस रेंज में ठीक है, थोड़े कम कर देते तो अच्छा था। अब इसके बाद यहाँ पे प्रोसेसर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है UniSoC का T606 वाला चिपसेट। अब ये वाला चिपसेट ठीक है, इसे आप ठीक ठाक यहाँ पे बोल सकते हो। अब इस चिपसेट के अंदर यहाँ पे आपको जो 2 कोर हैं वो कॉर्टेक्स A75 वाले देखने को मिल जाते हैं, तो मॉडरेट गेमिंग इसके ऊपर कर पाओगे ऐसा कुछ नहीं है, आपके डे टू डे टास्क सही तरीके से हैंडल करेगा, लेकिन ज्यादा एक्सपेक्टेशन यहाँ पे मत रखना। अब स्मार्टफोन के अंदर आपको यहाँ पे 2 स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक में 2 GB की रैम और एक में 4 GB की रैम, और स्टैंडर्ड 64 GB का जो स्टोरेज है वो दोनों में ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे चलते हैं ऑप्टिक्स के ऊपर। तो रियर साइड में यहाँ पे आपको सिंगल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे जो मेन सेंसर होगा वो होगा 13 मेगापिक्सल का, और जो फ्रंट सेल्फी कैमरा होगा वो रखा जाएगा यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पे कोई डुअल मेगापिक्सल फालतू का 2 मेगापिक्सल नहीं चिपका है, तो ये चीज यहाँ पे सही की है मोटोरोला ने। इसके बाद यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और 10 वॉट की जो नॉर्मल चार्जिंग है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब स्मार्टफोन को कुछ और जरूरी फीचर्स की यहाँ पे बात कर ली जाए, तो यहाँ पे आप डेडिकेटेड microSD कार्ड लगा पाओगे, साथ ही में 3.5mm का जो ऑडियो जैक है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी ये वाला स्मार्टफोन यहाँ पे करेगा, साथ में कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको जो प्रोटेक्शन है वो भी देखने को मिलेगी, मतलब कि वाटर स्प्लैश रेजिस्टेंस ही देखने को मिलेगा, IP52 की रेटिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और एक बहुत सही चीज यहाँ पर ये है कि वाला जो स्मार्टफोन है आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आएगा, और आपको पता है मोटोरोला का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है MIUI के साथ में वो क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड यहाँ पे होता है, तो ब्लॉटवेयर वगैरह आपको ज्यादा यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि यहाँ पे जो एंड्रॉइड वर्जन है एंड्रॉइड 13 वो फुल फ्लेज नहीं है, यहाँ पे आपको एंड्रॉइड का गो एडिशन देखने को मिलता है, तो वहां पे सभी एंड्रॉइड के फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन जिस प्राइस में आ रहा है उस हिसाब से आप इसे ठीक बोल सकते हैं। अब दोस्तों जब प्राइस की बात कर ही रहे हैं तो आपको प्राइस का आइडिया भी यहां पर दे देता हूं कि 8 फरवरी को फ्लिपकार्ट के ऊपर किस प्राइसिंग पे आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए ई सीरीज आपको पता है कि एक एंट्री लेवल बजट सीरीज यहाँ पे मोटोरोला की है, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको अंडर मतलब सब 10 की कैटेगरी का स्मार्टफोन यहाँ पे रहने वाला है, अंडर 10,000 रुपए की प्राइसिंग में आपको देखने को मिलेगा और 9,999 रुपए इसकी प्राइसिंग होगी। पर्सनली मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है इसके 4 GB रैम वाले वेरिएंट के लिए, जो 2 GB रैम वाला वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग आपको 1,500 रुपए और कम देखने को मिल सकती है। तो मतलब अंडर 10,000 रुपए की प्राइसिंग आप इसकी मान के चलिए, क्योंकि यूरोपियन मार्केट में ऑलरेडी स्मार्टफोन को इंट्रोड्यूस कर दिया है मोटोरोला ने, तो उसकी प्राइसिंग के हिसाब से ही आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आइडिया। और दोस्तों स्मार्टफोन ठीक है, यहाँ पे 180 ग्राम का है, लाइट वेट है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो पर्सनली मुझे स्मार्टफोन के अंदर बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये जो ब्लूटूथ वर्जन है वो पुराना 5.0 दिया गया है, 5.1 या 5.2 तो 5.1 तो कम से कम दे देते। और इसके अलावा यहाँ पे आपको कोई भी फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलती है, तो भाई वही स्लो 10 वॉट की चार्जिंग से यहाँ पे आपको काम चलाना पड़ेगा, और साथ ही में यहाँ पे आपको सिर्फ HD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। कुछ लोगों को ये चीज भी खटकेगी सही में, पर्सनली मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है। तो हाँ ओवरऑल जो मोटोरोला के फैंस हैं जिन्हें एक बजट स्मार्टफोन अंडर 10,000 की प्राइसिंग में एक मोटोरोला का यहाँ पे स्मार्टफोन चाहिए, उन लोगों के लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है जिन्हें स्टॉक एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे अंडर 10,000 रुपए की प्राइसिंग में। वरना तो भाई इन्फिनिक्स के भी काफी सारे स्मार्टफोन है जो इस प्राइस में एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आ रहे हैं, बेटर प्रोसेसर के साथ में यहाँ पे आ रहे हैं, और अभी तो सेल वगैरह चल रही है अमेजॉन फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो 10,000 रुपए की प्राइसिंग के अंदर आपको रेडमी वगैरह के भी स्मार्टफोन काफी अच्छे इस प्राइस के आसपास देखने को मिल रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। बाकी मोटोरोला के फैन हो तो भाई फिर क्या कहने। दोस्तों इस वीडियो को लेते हैं, मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। स्मार्टफोन में क्या कुछ स्पेसिफिकेशन में अच्छा बुरा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, आप इंटरेस्टेड हो या नहीं वो भी बता सकते हो। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो पहली बार आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा देना, और मैं मिलता हूं हमेशा एक तरफ से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।